वेलकम टू आवर चैनल क्लास चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे लुप्त पदों को भरना, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम, एक जिसमें कुछ डिजिट दे रखी हैं। देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे, मतलब कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आगा तो हम उसको गुणन एवं योग पर करेंगे, ठीक है। यह है गुणन एवं योग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस टाइप से सोल्व करेंगे, गुणा करके और योग निकाल के। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में से मैं किसी भी प्रकार की आकृति दी जाती है तथा गुणा एवं भाग, इसमें मेन पॉइंट है गुणा एवं भाग पर आधारित समस्याओं को हल करके आकृति में ये जो साइन है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात किया जाता है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है इसमें 3, 5, 5, 4, बीच में 37 दे रखा है, ठीक है। ऐसे 4, 7, 5, 4, 3, 5, 6, 3, इसके बीच में डिजिट नहीं है तो हमें इसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा, गुणा योग। तो हमें देखें इसमें गुणा करनी है। देखिए 3 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 12। इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को, 3 गुणा कितना है 4, तो ये आ गया 12, 3 चौक 12, ठीक है। नीचे वाली देखिए 5 और 5 लिखा, 5 की 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 गुणा 5, तो ये आ गया 5 पंचे 25, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आ गया, ये 37, ठीक है। तो देखिए 37 आ रहा है, आ रहा है। सेकंड देखते हैं 4 की 4 से गुणा करनी है 5 की 7 से, ठीक है। करते हैं सभी 4 की 4 से, ठीक है, 4 × 4 तो 16 हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करना है, 5 की 7 से कर लेते हैं, तो 5 की 7 से करने पे कितना आया, 35, 5 × 7 ये आ गया 35, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 51। तो देखिए 51 बीच में आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सही है। अब ऐसे क्या करना, 3 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 3 की 3 से गुणा करने पर 9 आएगा, ठीक है। 3 × 3 = 9, ठीक। अब क्या बचा है, 6 की 5 से गुणा करनी तो कितना आएगा, 30। तो 6 की 5 से करेंगे कितना आ गया, 30। देखिए 30 में 9 ऐड करेंगे कितना हो गया, 39। तो हमारा आंसर कितना है, 39। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 39 कहाँ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये C पार्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, C। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दे रखा है, देखा 9 दे रखा है, 11 दे रखा है, 6 दे रखा है, 23। हमारा मेथड क्या है, योग करना, ठीक है, योग करना या गुणा करके जो आंसर आएगा वो बीच में आएगी डिजिट। ऐसे 7, 12, 13, 8, 40 आ रहा है, ठीक है। 16, 9, 8, 26 दे रखा है, कितना आ रहा है इसमें, ये निकालना है। देखिए अगर 9 के 23 से गुणा करेंगे तो नॉर्मल सी बात है वो बड़ी डिजिट आएगी, ठीक है। ऐसे 6 की 11 से गुणा करेंगे ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो वो अनचस नहीं आनेगा, मतलब ज़्यादा आएगी। तो देखिए 9 में इन सबको ऐड कर लीजिए, मतलब इन चारों को ऐड कर लीजिए, देखते हैं कि वो अनचस आता है नहीं आता है, ठीक है। ऐड करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्या ऐड करना हमें, 9 एक तो ऐड करना है, 9, 11, 6, 23, ठीक है। इसको ऐड करके देखते हैं, 9, 11, 6, 23, तो ये कितना आता है, देखिए 3, 6, 9, 9 और 1, 10 और 9, 19, हाथ से लगा 1, 2, 3 और 4, तो कितना है 49। तो 49 देखिए पहले में आ रहा है, यस आ रहा है, तो ये सही है हमारा। ऐसे सेकंड लिखा हुआ 7, 12, 13, 8, इसको ऐड कर देते हैं, 7, 12, 13, 8, ठीक है। इसको ऐड करके देते हैं, 7, 12, 13, 8, 8, 8 और 3 कितने हो गए, 11, 11 और 2 कितने हो गए, 13, ये हो गए 20, ये हो गए 20, 20, 40, तो कितना आ रहा है इसमें, 40। इन तीनों को ऐड, चारों को ऐड करने पर 40 आ रहा है, देखिए इसका बी पार्ट जो है वो 40 आ रहा है, यस आ रहा है। थर्ड पार्ट के लिखा हुआ 16, 9, 8, 26, इन चारों को ऐड कर लेते हैं, 16, 16, 9, 8, 26, ठीक है। और इनको सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, देखिए 6 और 8 कितने हो गए, ये हो गए 14, 14 और 9, 14 और 9 कितने हो गए, 23, 23 और 6 कितने हो गए 29, ठीक है। 2, 2, 4 और 1, 5,
कितना आ रहा है 59। तो ऑप्शन में देखते हैं, देखिए इस कहां से कितना आ रहा है 59, ऑप्शन देखते हैं इसका 59 आ रहा है नहीं आ रहा है, यस आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हुआ 59। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 करा था ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें लिखा हुआ 11, 44, 22 और 33, इन चारों को जोड़ने पे कितना आएगा 110 आएगा। ठीक है चाहे जोड़ लीजिएगा, 4 3 7, 7 2 9 1 10 0, हंस लगा 1 3 1 4 2 6 1 7 3 10 11, 110 आ गया। इन चारों को जोड़ने पे कितना आएगा 112। तो ऐसे ही देखिए यहाँ की डिजिट नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में, ये नहीं दे रखा और जबकि ये चीज ना बीच की डिजिट दे रखी, तो इसको कैसे करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है इन चारों को जो जोड़ने पे कितना आ रहा होगा 144 आ रहा होगा, तो इसमें से तीनों को क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हो, तो आंसर आ जाएगा इसका यहाँ का। ठीक है करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर ए 17, तो इसमें क्या लिखा हुआ है 101, 114 तो है जोड़ने पर आ रहा है, माइनस क्या क्या माइनस करना है इसमें, एक तो माइनस करना है 12, ठीक 23 प्लस 34, इन तीनों को ऐड करके इसमें से हम लेस कर देते हैं, देखिए कैसे हो गए 114 में से 4 3 7 2 9 हो गए, ठीक 3 2 5, 5 रे कितने हो गए 6, तो देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचे 4 1 5, 14 में से 9 हो गए ये बचे 5, यहाँ बचे 10, 10 में से 6 कितना बचे 4, 45, 45, देखिए इसमें 45 हमारा ये क्या है आंसर, इसमें चेक कर लेते हैं 45 आ रहा नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, देखिए 45, 37 ये नहीं है 45, तो ये हमारा आंसर क्या होगा इसमें 45। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन इंस्टेंटिक बेसिस पर जिसमें हमें योग करके और गुणा करके निकालने थे।